खबर कानपुर से आ रही है, जहां के चकेरी थाने की अहिरवा चौकी में आरोपी की मौत के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने पूरे थाने का घेराव कर दिया और हाईवे पर जाम लगा दिया है। कस्टडी में आरोपी की मौत के बाद से ही चौकी का पूरा स्टाफ ही फरार हो गया। एसएसपी ने अहिरवा चौकी के इंचार्ज योगेंद्र सिंह समेत 12 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। आप समझिए कि वहां हालात किस तरीके से बने होंगे। लोग हाईवे जाम कर दिया, पूरी चौकी के जो स्टाफ हैं वो फरार हैं। कैदी की जो मौत हुई उसके बाद ये बढ़ता बवाल। मोहम्मद उजैर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कैदी की मौत हुई कैसे? हाईवे अभी खुला है कि नहीं? क्या आश्वासन एसएसपी ने दिया इस खबर के बाद? देखिए, ये कैदी जो था कल पकड़ के लाया गया था, इसका नाम है राजू मिस्त्री। जब इसके परिवार के लोगों को सूचना मिली कि जो है उसकी मौत हो गई, तो परिवार के लोग जब आए तो उन्होंने उसको देखा तो समय उसके चेहरे पे चादर पड़ी हुई थी। उसको पोस्टमार्टम भेज दिया गया। 4 घंटे के बाद जब पोस्टमार्टम हाउस पे उस राजू मिस्त्री के परिवार के लोग पहुंचे तो उन्होंने राजू मिस्त्री को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि राजू मिस्त्री नहीं है। फिर उसके बाद जो उसमें दूसरा मोड़ आ गया कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसकी लाश पुलिस चौकी में मिली है, तो पता लगा कि ये कमल बालवीर नाम का कोई लड़का है जिसकी मौत हुई है। जब पुलिस से इस बारे में और पूछताछ की गई और दूसरे जराये से पता लगाया गया तो पता ये लगा कि कमल बालवीर जो है किसी 1-20 लाख की लूट के मामले में पकड़ के लाया गया था और 2 दिन से पुलिस चौकी में ये मौजूद था और इसकी पिटाई हुई थी और इसकी जो है मौत हो गई। मौत होने के बाद जो है पुलिस के हाथ पांव जब फूल गए तो पूरी चौकी का स्टाफ जो है चौकी छोड़ के भाग गया। मौके पे जब एसएसपी पहुंचे तो एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर और 12 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। उसके विरोध में आज जबरदस्त यहाँ पथराव हो रहा था। पथराव होने पे हाईवे जाम कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से हाईवे तो खुल गया है, हाईवे चालू हो गया है, लेकिन अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए।